कभी सोचा है दोस्तों आपने कि हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना? जब अंग्रेज भारत में आए थे तो मुगलों का राज था और मुगलों से लड़ने के लिए मराठा भी थे। सन 1600 के अंत में ये कहा जाता था कि भारत इतना संपन्न देश था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका सिर्फ 25% ही भारत में होता था। यही कारण था जिसकी वजह से लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और पूरी दुनिया की इस भारत पर नजर थी कि कैसे इस सोने की चिड़िया को लूटा जाए। और उस समय में दिल्ली के राजा राजा सम्राट अकबर का राज था। वो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे। अब बात आती है सन 1600 की। 200 ब्रिटिश व्यापारी मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। अब अंग्रेज एक प्लान बनाते हैं हमारे इंडिया को लूटने के लिए। वो प्लान होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटेन की महारानी को जब ये पता चलती है तो वो भी उन 200 व्यापारियों को सपोर्ट करती है जो कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलते हैं। इसी बीच अकबर की मौत हो चुकी थी। अब उनकी गद्दी उनके बेटे जहांगीर संभाल रहे थे। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने जहाज से घुस चुके थे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने कई बार जहांगीर को मनाया कि हमें काम करने दीजिए, हमें काम करने दीजिए, पर काफी जिद करने के बाद अंग्रेजों ने जहांगीर को काम के लिए राजी कर लिया। अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई में अपनी फैक्ट्री लगाई और इंडियंस को अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह भी दी। और अंग्रेजों के व्यापार के साथ साथ उनका लालच भी बढ़ रहा था। सन 1680 में अंग्रेज औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और अंग्रेज औरंगजेब से हार जाते हैं। अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगी। जब औरंगजेब ने उनको माफ कर दिया तो वो दूसरा तरीका आजमाते हैं। और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अंग्रेजों को माफ कर दिया। अब अंग्रेज कुछ ऐसा तरीका आजमा रहे थे जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, यानी कि आपस में फूट डलवाकर लड़ाई करवाकर और फायदा उठाने की नीति। इसी बीच पर्शियन के राजा ने भारत पर आक्रमण बोल दिया था। फिर मुगलों ने पर्शियन राजा को काफी पैसा और हीरे जवाहरात देकर अपनी गद्दियां बचाई, पर इतना पैसा और हीरे जवाहरात देने के बाद मुगलों की ताकत कम हो गई थी क्योंकि उनके पास पैसा भी कम हो गया था। फिर आता है सन 1764। अंग्रेजों की फौज ने काफी मुगल राजा को हराया। टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने फूट डलवा डलवा कर अंग्रेजों ने मुगलों को हराया। 18वीं सदी आने तक अंग्रेजों ने काफी चीज हथिया ली थी और भारत के अंदर काफी चीजें लूट ली थी। अंग्रेजों ने एक और तरकीब आजमाई जिससे हिंदुस्तानी भी उनके साथ हो गए। वो ये थी कि अंग्रेजों ने इंडिया में पढ़ाई अच्छी करवाई, रेल ट्रैक बिछवाए। यही वजह थी जब इंडियंस ने अंग्रेजों का साथ दिया था स्वतंत्रता क्रांति में। अब अंग्रेज इंडियंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते जा रहे थे और मुगलों को हराते जा रहे थे। इसी बीच मुगलों के आखिरी राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हराकर बंदी बना लिया और उनके पूरे परिवार को मरवा दिया। और इसके बाद फिर कब्जा करता है अंग्रेज भारत पर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना।